अंबाला में अब लोगों को कम्युनिटी सेंटर के तर्ज पर नियमित कार्यों के लिए पार्क किराए पर दिए जाएंगे, जिसके लिए लोगों को किराए के तौर पर एक रकम निगम को देनी होगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। कम्युनिटी सेंटर की तर्ज पर अब कई कार्यक्रमों के लिए अंबाला नगर निगम के अंडर आने वाले पार्क भी लोगों को किराए पर मिलेंगे। दरअसल पहले लोग कई कार्यक्रमों के लिए आसपास बने पार्कों का इस्तेमाल कर लेते थे, जिसके कारण सफाई व्यवस्था चरमरा जाती थी, जिसे देखते हुए अंबाला नगर निगम में यह आदेश जारी किए गए। जैसे पहले कोई भी पार्क ले लेता था, शादी कर लेता था, बर्थडे पार्टी मना लेता था, या कोई भी ओकेजन था, धार्मिक था, या उस पे सरकार ने रोक लगा दी है कि पब्लिक में जो न्यूसेंस क्रिएट करता है आसपास के एरिया में, जिस तरीके से भी न्यूसेंस होती है, उसको किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दी जाएगी। और कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ छोटे फंक्शन के लिए उसमें मानदेय तय किए गए हैं, और उसमें नॉमिनेंसी फीस लेके हम उसकी परमिशन देंगे। वो घंटों के हिसाब से, स्लॉट्स के हिसाब से भी हम उसमें परमिशन दे सकते हैं। रोक जो लगाई है वो हमने, सरकार ने जो लगाई है, उस पर शादी का फंक्शन है जो है, बर्थडे पार्टी है, उसमें देखो एग्जीबिशन वगैरह कोई अगर इस टाइप का हो जिसमें टिकट वगैरह लगती हो, तो उसमें 50,000 रुपये उसमें फीस है, रखी गई है। और छोटे जो छोटे मोटी चीज़ों के लिए जो रखी गई है, क्रिया वगैरह के है लिए है या और चीज़ों के लिए है, उसमें 2,000, 3,000, 5,000 अलग अलग उसमें निर्धारित की गई है फीस। उसमें डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट।